मध्य प्रदेश के सागर से बीते दिनों एक मामला सामने आया था, जहां पर भागोदय तीर्थ ट्रस्ट के कुछ लोग यह चाहते थे कि मुनि श्री सागर नाय, आपको बता दें कि देवतुल्य संत श्री सुधा सागर जी महाराज सागर नाय, यह कुछ ट्रस्ट के सदस्यों का कहना था। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा था और यह मामला थाने तक पहुंचा था। आपको बता दें, ट्रस्ट के कुछ सदस्यों को यह आपत्ति थी कि मुनि श्री सागर ना आए, लेकिन वो सागर आ गए हैं। आपको बता दें कि मुनि श्री ट्रस्टों में जो भ्रष्टाचारी हुई है, उस गंदगी की वो सफाई कर देते हैं। जो भ्रष्टाचारी रहते हैं, जो तानाशाह लोग रहते हैं, उनको ट्रस्ट से वो बाहर कर देते हैं। अब देवतुल्य संत श्री सुधा सागर जी महाराज सागर पहुंच गए हैं और इसी पूरे मामले को लेकर सागर एक्सप्रेस न्यूज के चैनल हेड ब्रह्मदत्त दुबे ने महान संत जो देवतुल्य हैं, संत सुधा सागर जी महाराज से सवाल किया था, जिसका उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है जो जनता के सामने है। आप भी सुन लीजिए ब्रह्मदत्त दुबे और संत श्री सुधा सागर जी महाराज के सवाल और जवाब। लगाई थी कि आप सागर में जरूर आए, मेरे सिर्फ एक ही सवाल है कि तमाम धर्म है, लेकिन आप लोगों को देखकर ये लगता है कि कहीं संत जिंदा है, कहीं ये जो है आप लोग करते हैं वो त्याग जो है, वो तपस्या जो है, ये पृथ्वी में मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और बस यही विश्वास है कि भाग्योदय जो हॉस्पिटल बनी थी, ट्रस्ट है, जो तीर्थ है, उसमें आप जैनों को जितनी अपेक्षा नहीं होगी, तमाम धर्म के लोगों को अपेक्षा है कि वो बेहतर हॉस्पिटल और बने। और ये आने की वजह जो हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, बस यही थी कि आप बहुत सुधार करते हैं और जो हल्के हल्के से लोग भ्रष्टाचार करते हैं, उनकी रूह कांप जाती है आपके आने से। और मैं ये बात बिल्कुल जिंदा दिल से कह रहा हूँ और मैं आपके चरणों में इसलिए प्रणाम करता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि सागर आए हैं तो आप सब कुछ सुधार के जाएंगे। बस यही मेरा सवाल है। भैया सब सुधर ही जाएंगे यार। इसके बाद क्या होता है कि जब कोई भी वस्तु होती है, अब मुझे पता नहीं है कि कौन मेरे से डर रहा है। मैं डराने को तो कभी किसी को डराता नहीं। जब मैं नहीं डरता हूँ तो मैं किसी को डराने का भाव भी नहीं करता हूँ। अब लोग मेरे से अपने आप डरते हैं तो मैं करूँ क्या? क्योंकि साधु से जब कोई व्यक्ति डरता है तो समझ लेना चाहिए उसके अंदर कोई पाप है। साधु से कभी कोई दूर भागता है, समझ लेना चाहिए उसके अंदर पाप है। साधु को यदि वो नहीं चाह रहा है तो समझ लेना चाहिए एक पाप है। MI मोबाइल स्टोर एवं रिधिमा मोबाइल लेकर आया है सैमसंग एवं बजाज फाइनेंस सुविधा। हर कंपनी का मोबाइल आसान किस्तों पर घर ले जाएं। साथ ही दिवाली के मौके पर विशेष ऑफर उपलब्ध है। हमारा पता है MI मोबाइल स्टोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 16, रहली, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विवेक गुप्ता 93 29 78 29।